हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब गुड चैनल। इवनिंग मैडम, मेरे पास भुट्टो का 200 126 के दाम पे, और एक मैडम EIL इंजीनियर इंडिया का शेयर है 162 के दाम पे सर। प्लीज मैडम कोई बोल दे, दोनों लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने जाती हूँ। ओके, EIL हुडको विप्रो, EIL 162, हुडको 124। EIL में तो 78 रुपये का फ़ायदा इनको हो रहा है। हुडको हालांकि इन्होंने ऊपर लिया, उसके बावजूद भी बेनिफिट में है। यहाँ पर इनकी जो बाइंग है वो 124 की है, और साथ ही विप्रो पर भी आपकी राय चाहिए। मानस, क्या सजेशन तीनों स्टॉक्स पर? तो देखिए, पहले हुडको की बात कर ले तो हुडको का स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है 3-4 दिनों से, लेकिन आई थिंक एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और नेक्स्ट मूव में स्टॉक 230-240 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो हुडको में बने रहिए, जो स्टॉप लॉसेज है वो 174 के रहेंगे। दूसरा स्टॉक फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हुडको, EIL और विप्रो। ओके, तो इंजीनियर्स इंडिया की जहां तक बात है, यहां पर भी बने रहना चाहिए। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, 20-day moving average के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 229 के स्टॉप लॉस से इंजीनियर्स इंडिया में बने रहिए। अब ऊपर की तरफ आई थिंक 270 वापस टेस्ट हो सकता है। विप्रो तो अगर हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम ज्यादा रखें तो मेरे ख्याल से विप्रो एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है। एक राउंडिंग बॉटम बना है जिसके टारगेट 560 रुपए के आते हैं, तो अगर 2 मंथ का समय हो, 2 मंथ का समय हो तो यहाँ पर बने रहिए 466 रुपीज 460 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ।